श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज का यह उपाय बहुत ही कारगर और बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, कहीं आपने हजारों रुपए दिए हैं, कहीं आपने लाखों रुपए दिए हैं, वो पैसे देने से इनकार कर रहा है और वो पैसे आपके फंस गए हैं, आप बहुत दुविधा में हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो पैसे मुझे वापस मिल जाए, तो ये एक अचूक उपाय है, इसे आपको करना होगा। उपाय आपको क्या करना है, इसको पहले आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, उसके बाद में फिर आपको उपाय को करना है। उपाय में आपको यह करना है कि जो गाय का गोबर होता है, जिसे गौमाता का हम गोबर बोलते हैं, और वह गोबर जब जमीन पर गिरने के बाद में सूख जाता है, उस गोबर को आपको लेकर आना है सूखने के पश्चात, जिस पे किसी महिला का हाथ नहीं लगाओ, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं लगाओ। सूखने के पश्चात उसको आपको जला लेना है और उसकी राख तैयार कर लेनी है। राख बनाने के पश्चात आपको उस राख से एक छोटा सा शिवलिंग बनाना है और बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख के उसकी पूजा अर्चना करनी है। जिस व्यक्ति को आपने धन दिया है, पैसा दिया है, उससे आप लेना चाहते हैं, उसका स्मरण करना है और उस शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। पूजा करने के पश्चात आपको उस शिवलिंग पर पानी चढ़ा देना है। पानी चढ़ाने से वो जो शिवलिंग है वो पिघल जाएगा और उस राख का आपको तिलक लगा लेना है, और जिस व्यक्ति से आप पैसा लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपका पैसा फंसा हुआ है, उस व्यक्ति को आपको कॉल करना है और निवेदन करना है कि आप मेरे पैसे वापस दीजिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो निश्चित ही आपको मिल जाएगा और आप बहुत बड़ी दुविधा से बच जाएंगे। उपाय आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे आइकन जरूर प्रेस करें। श्री शिवाय नमस्ते।